हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें सिग्नल एंड सिस्टम क्यों पढ़ना है, व्हाई टू स्टडी, एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट टू स्टडी फॉर यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट स्टडी क्यों करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है। एक सब्जेक्ट है नेटवर्क, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है हमारे पास, वो है आपका कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सिग्नल सिस्टम का इन तीन सब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको हर एक सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होती है, और बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, टाइम टू फ्रीक्वेंसी, और टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करने के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करना होता है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे सिग्नल सिस्टम में। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपके सिलेबस में है ही, यूजीसी नेट के सिलेबस में फोरियर ट्रांसफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ लेने से कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो प्री रिक्विजिट है वो आपका कवर हो जाता है। क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और पॉइंट है आपके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में, जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर आप जब सैम्पलिंग वगैरह स्टडी करते हैं, तो सैम्पलिंग में आप वहां पर कुछ फॉर्मूले कॉन्वोल्यूशन के यूज करते हैं, कुछ आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप कहाँ स्टडी करते हो, सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हो। तो कंप्लीट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका डिपेंड करता है सिग्नल एंड सिस्टम में। इसीलिए सिग्नल एंड सिस्टम आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, तो नेटवर्क में आपको बहुत सारे सर्किट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने होते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कहाँ स्टडी करते हैं, वो आप स्टडी करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। क्लियर है अच्छे से? नेटवर्क थ्योरी में आपको बहुत सारे जो करंट या वोल्टेज के इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस के फॉर्म में ना देते हुए वेव फॉर्म के या फिगर के फॉर्म में दे देता है। उस फिगर को आप इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हो, जब आप पढ़ लेते हो बेसिक्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। तो इसीलिए आपके लिए एक सजेशन है, इंपॉर्टेंट सजेशन है, कि आपके सिलेबस में सिर्फ लाप्लास, फोरियर और जेट ट्रांसफॉर्म मेंशन है। बेसिक पार्ट जो ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स होता है, इवन ऑड सिग्नल होता है, ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, बट आप इन्हें भी बहुत डिटेल में एनालिसिस करिएगा, अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बेसिकली जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिक्स है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्री रिक्विजिट है, ठीक है ना। तो वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन हो चाहे ना हो, आपको स्टडी करना है, और मैं आपको उससे रिलेटेड सारा मटेरियल अवेलेबल करवाऊंगा। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम के तो नाम में ही सिस्टम है, और सिस्टम का बेसिक एनालिसिस आप कहां करते हो, वो भी आप करते हो सिग्नल एंड सिस्टम में। फिर से वही बात आती है कि आपके सिलेबस में सिग्नल एंड सिस्टम में सिस्टम, बेसिक्स ऑफ सिस्टम या सिस्टम का एनालिसिस मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टम का एनालिसिस नहीं करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम जो आपके सिलेबस में काफी बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगा। आपको यही नहीं पता होगा कि LTI सिस्टम होता क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता क्या है, जो आप कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हो, ठीक है। तो इसीलिए सिग्नल एंड सिस्टम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके लिए, क्योंकि इसका अफेक्ट अदर सब्जेक्ट्स में काफ़ी से ज़्यादा है, ठीक है। एक और पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में जो आपको नीड है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। कंट्रोल सिस्टम में भी जब आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होता है सिस्टम का, तो यू रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो भी आप कहाँ पढ़ते हो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। क्लियर है अच्छे से? तो जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम है इसे हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ऑल दो आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ही टॉपिक हैं, बट इसे हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे ताकि हमें किसी और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब अगर मैं बात करूं कि प्री रिक्विजिट क्या है सिग्नल्स एंड सिस्टम की, तो प्री रिक्विजिट जो है वो सिग्नल एंड सिस्टम के लिए ये है कि आपको बेसिक सिग्नल्स का नॉलेज होना चाहिए, लाइक स्टेप, रैंप, ठीक है, पैराबोलिक, ये सारे सिग्नल्स का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इम्पल्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ग्राफ का एनालिसिस करते बनना चाहिए, ग्राफ हो गया, फिगर हो गया, इन सब का एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। टी ग्रेटर देन जीरो पे एम्पलीट्यूड क्या है, टी लेस देन जीरो पर एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ों से अगर आप फैमिलियर हैं या अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बनती हैं, समझ में आती हैं, तो सिग्नल एंड सिस्टम में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक इंटीग्रेशन से फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम में जितने भी आप ट्रांसफॉर्म निकालते हो लाइक फोरियर, लाइक लाप्लास, सभी के फॉर्मूले इंटीग्रेशन के फॉर्म में हैं। और अगर आप डिस्क्रीट में बात करो तो यहाँ पर आपको सम्मेशन से फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। एडर्स, जो हम समर एडर साइन यूज करते हैं डिस्क्रीट में, उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? तो सिंपल सी बात है, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, ग्राफ और फिगर का एनालिसिस आना चाहिए, बेसिक सिग्नल्स आपको याद होने चाहिए जो आपने बीटेक में स्टडी किए हैं, और नहीं है तो आप क्विकली रिविजन कर सकते हैं। ऑल दो मैं आपको स्टार्ट से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता ना, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, या कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, या ई की पावर जे एक्स का ई की पावर जे एक्स ही होता है। ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी इन सिग्नल्स एंड सिस्टम, तो जैसा मैंने कहा कि आपके सिलेबस में ओनली थ्री थिंग्स मेंशन है, बट हम कंप्लीट सिलेबस काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। आप जो बाकी के चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको आप ब्रीफली स्टडी करना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही उन्हें स्टडी करना ताकि कोई अदर सब्जेक्ट जैसे लाइक कम्युनिकेशन या नेटवर्क या कंट्रोल या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें उस बेसिक का यूज़ हो रहा हो वो आपसे बन जाए, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? हाँ, एक और एडवांटेज आपके पास होगा पूरा स्टडी करने का, कि जब आप नेट के बाद कोई और टेक्निकल एग्ज़ाम देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में सिग्नल एंड सिस्टम हर एक एग्जाम में कंप्लीट ही होता है, ठीक है। आपको सिस्टम का भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन ऑन सिग्नल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको DTFT, DFT, ऑल थिंग्स, एवरी थिंग्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारा सिलेबस डिटेल में दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अदर एग्जाम में एडवांटेज मिले, और साथ ही साथ जो UGC नेट का एग्जाम भी है वहाँ पर किसी और सब्जेक्ट में अगर कोई भी टॉपिक यूज होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, वो आपका होगा बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, बेसिक्स बोल लीजिए आप, इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में डिवाइडेड है। तो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, आपके सिलेबस पे तो डायरेक्टली लाप्लास, जेड और फोरियर दे दिया, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए निकाला जाता है, और जो आपका लाप्लास है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए निकाला जाता है, जो फोरियर है आपका वो कंटिन्यूस के लिए भी निकाला जाता है और डिस्क्रीट के लिए भी निकाला जाता है। आपके सिलेबस में सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म बोला है, ये नहीं बोला कि कंटिन्यूस के लिए है कि डिस्क्रीट के लिए है,
तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म भी स्टडी करना पड़ेगा कंटीन्यूअस वाला, और डिस्क्रीट में डीटीएफटी और डीएफटी भी स्टडी करना पड़ेगा, वो भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? बेसिक्स से मिलेगा। तो सबसे पहले हम कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में समझ लेंगे। हम ये समझ लेंगे कि कैसे हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं वैसे उस प्रोसेस को, लेकिन मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा इन चीजों का। उसके बाद हम अपने बेसिक चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपको बेसिक सिग्नल का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आपको सारे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जो स्टैंडर्ड सिग्नल हैं उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा, उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं टाइप्स बताने के बाद आपको कुछ ऑपरेशंस सिखाऊंगा, लाइक टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल। तो किसी भी फिगर में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेशन भी स्टडी करेंगे इन केस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स। और इसके अलावा भी जितने बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक चीजें होती हैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स में, मैं सारी आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। किसी भी फिगर को आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं या इक्वेशन को फिगर के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको काफी डिटेल में स्टडी करवाऊंगा कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बेसिक्स में। इसके साथ साथ ही फिर हम टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल स्टडी करेंगे और उन पे ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, उनके आप सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी देखोगे। ठीक है ना, जैसे यहां पर हम कहते हैं ना इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन और इंटीग्रेशन की जगह एडिशन डिस्क्रीट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्क्रीट में भी स्टडी करेंगे। तो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बेसिक हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ऑल्दो इस चैप्टर में से आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन हाँ ये चैप्टर आपका यूजफुल होगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स की प्रीरिक्विजिट होगा ये चैप्टर आपके लिए। नाउ अब अगर मैं बात करूं सेकेंड चैप्टर की, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल स्टडी कर लेने के बाद अब हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम के बेसिक में हम सभी तरह के सिस्टम स्टडी करेंगे, लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, लाइक टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लाइक कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, लाइक स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, लाइक स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, लाइक इन्वर्टिबल एंड इनवर्स सिस्टम। तो सभी तरह के सिस्टम हम काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे सिग्नल के केस में मैंने आपको बताया कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स और ऑपरेशंस एवरीथिंग स्टडी करेंगे। सेम हम सिस्टम्स में भी ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, सभी सिस्टम के बारे में समझेंगे कि कौन सा सिस्टम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सिस्टम का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सिस्टम कौन सा सिस्टम है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, या कोई भी और सिस्टम आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम थ्योरी वाइज भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे एडवांटेज क्या होगा? देखिए, जब आपको सिस्टम का नॉलेज हो जाएगा तो कंट्रोल सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंट्रोल सिस्टम की जो प्री रिक्विजिट है वही आपके लिए सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में आप सिस्टम का ही एनालिसिस करते हो डिटेल में। तो अगर आप सिस्टम का बेसिक्स यहां से पढ़ लोगे सिग्नल एंड सिस्टम में, तो कंट्रोल सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर थ्री में हम एनालिसिस करेंगे LTI सिस्टम के बारे में। चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हम लीनियर एंड नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एनालिसिस कर चुके होंगे, तो अब हमें समझना होगा कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है।
हम दोनों सिस्टम को कंबाइन कर देंगे, जो आपके स्टार्टिंग के टू सिस्टम थे। और ये जो सिस्टम होता है ये आपका प्रैक्टिकल सिस्टम होता है, और यही सिस्टम आपका कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। तो कंट्रोल सिस्टम में हम LTI सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। LTI सिस्टम की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि अगर कोई इनपुट XT है सिस्टम में, सिस्टम को अगर आप HT से रिप्रेजेंट कर रहे हो और आउटपुट YT है सिस्टम का, तो जो YT होगा वो ऑलवेज इनपुट और सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्वोल्यूशन होगा, सिस्टम के इंपल्स रिस्पांस HT का कॉन्वोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग्स हैं लाइक इंपल्स रिस्पांस, ये कैसे हमने प्रूव किया या क्यों HT को इंपल्स रिस्पांस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट हाँ, जो कॉन्वोल्यूशन आप स्टडी करते हो वो LTI सिस्टम में ही करते हो। तो अगेन, LTI सिस्टम आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में अगर कॉन्वोल्यूशन टर्म यूज होता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आपको LTI सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि LTI सिस्टम में ही आप कॉन्वोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करते हो। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस चैप्टर में कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन, ये सारी चीज़ें विथ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। हम टाइप्स स्टडी करेंगे कि क्या क्या टाइप्स या क्या क्या मेथड हो सकते हैं कॉन्वोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कॉन्वोल्यूशंस की। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन जहां पर यूज होता है, एप्लीकेशंस लाइक आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, उन रिलेटेड थ्योरीज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्वोल्यूशन में स्टडी करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भले ही आपके सिलेबस में मेंशन ना हो, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिग्नल सिस्टम अलॉन्ग विथ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड LTI सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दो टॉपिक्स का नॉलेज आपको काफ़ी डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो चैप्टर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किसी भी सिग्नल की फोरियर सीरीज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज होती क्या है, किसी भी सिग्नल को आप फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट क्यों करते हो, टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज क्या है। लाइक हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, ठीक है, एंगल एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ये सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के नाम से भी जानते हैं, इसको कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। ठीक है, अगेन अब अगर मैं बात करूं फोरियर सीरीज की, तो फोरियर सीरीज आपके सिलेबस पे डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट की बात करें, स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में फोरियर सीरीज का यूज आप बार बार देखेंगे। ठीक है, जब आप वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे, तो वहां पर जब आप वाइड बैंड FM का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे वहां आपको फोरियर सीरीज का यूज होगा। जब आप सैम्पलिंग स्टडी करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे आपको यूज होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल कैसे निकालते हैं, तो वहां पर भी फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो कहने का मतलब यही है, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे कहां कहां यूज होगा, बट आपको फोरियर सीरीज का भी नॉलेज होना चाहिए। अदर टेक्निकल एग्जाम में तो है ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आपके लिए भी अदर सब्जेक्ट में अफेक्ट को ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये चैप्टर वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा ही नहीं जा सकता विथआउट फोरियर ट्रांसफॉर्म के नॉलेज के। और सेकेंडली, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली मेंशन है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसा मैंने आपको कहा था LTI सिस्टम में,
LTI सिस्टम और फूरियर ट्रांसफॉर्म दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सिग्नल एंड सिस्टम में। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग डिटेल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे। देखिए सिग्नल एंड सिस्टम में प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, काफी प्रॉपर्टीज होती हैं फूरियर में, लाप्लास में, जेट ट्रांसफॉर्म में, डीटीएफटी में, डीएफटी में, अब से लेकर जितने भी ट्रांसफॉर्म हमें पढ़ने हैं सब में आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज का नॉलेज होगा तभी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके एग्जाम में चूंकि आपका एग्जाम ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं होता है तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी लिख देगा उस पर क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपके लिए प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल में एनालिसिस करिएगा। मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ के साथ दूंगा ताकि आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आप उन प्रॉपर्टी का यूज सीख जाएं, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टीज तो हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ ढेर सारे स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लाइक रेक्टेंगुलर फंक्शन, लाइक ट्रायंगुलर फंक्शन, लाइक इंपल्स फंक्शन, लाइक स्टेप फंक्शन, बहुत सारे सिग्नल्स होंगे आपके जिनके हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, गॉसियन फंक्शन, ठीक है, इन सब का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इसके अलावा भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बैंडविथ ऑफ द सिस्टम एंड बैंडविथ ऑफ द सिग्नल का भी नॉलेज दूंगा ताकि आप जब कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करें तो आपको नॉलेज हो कि बैंडविथ ऑफ द सिस्टम क्या होती है, बैंडविथ ऑफ द सिग्नल क्या होती है। मैं आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा ताकि आप बैंडविथ की रियल मीनिंग समझ पाएं। उसके अलावा मैं आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के बारे में स्टडी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिग्नल एंड सिस्टम में बताऊंगा। ऑल दो लास्ट के दो टॉपिक आपके कम्युनिकेशन के हैं, लेकिन मैं इनका भी बेसिक्स आपको बता दूंगा फूरियर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक में। तो ये आपके लिए काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप एवरी ईयर 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 मार्क्स का ही एक्सपेक्ट करिएगा, लेकिन कभी कभी सिर्फ 2 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, नॉट ओनली फॉर सिग्नल सिस्टम बट कम्युनिकेशन सिस्टम एज वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे वो होगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वाई वी नीड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मीन्स जब ऑलरेडी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म था तो अगेन फिर से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एक नए ट्रांसफॉर्म की नीड हमें क्यों हुई, क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसी क्या कमियां रह गई कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की नीड हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम यहां पर भी डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, उन सारी प्रॉपर्टीज के मैं आपको प्रूफ समझाऊंगा, उनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दूंगा। इसके अलावा हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में ट्रांसफर फंक्शन का भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज करके आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हो इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड ही नहीं होते, और वो क्यों डिफाइंड नहीं होते, आरओसी डिफाइंड नहीं होती। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये क्या है आरओसी, क्या है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और जिनके लिए आरओसी डिफाइंड नहीं होगी, दैट मीन्स जिनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं होंगे उनके लिए हम एक नया टाइप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका भी एनालिसिस करेंगे कि किन तरह के सिग्नल्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो एक्चुअल में बाईलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन बस हम इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान भी रखिएगा, जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है बाय डिफॉल्ट वो क्या है, बाईलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो बाईलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही, इसके अलावा हम यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे।
इसके अलावा हम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में और नेटवर्क थ्योरी में इसका यूज काफी से ज्यादा होता है, ठीक है। और आप कहीं पर भी अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी आप 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो होता है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। और जेड ट्रांसफॉर्म के केस में आप सबसे पहले ये एनालिसिस करोगे कि किस तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल सिमिलर है। जहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म XT के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जेड ट्रांसफॉर्म XN के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जहां आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए, सिग्नल्स के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए किया जाता है, वहीं जेड ट्रांसफॉर्म का यूज भी ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा आप यहां पर भी स्टडी करोगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी डिफाइंड होता है जब ROC डिफाइंड होती है, जेड ट्रांसफॉर्म भी तभी डिफाइंड होता है जब ROC डिफाइंड होती है। और इसके अलावा आप यहां पर भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में स्टडी करोगे, इनसे सारे न्यूमेरिकल, जो सारे के सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो डिटेल में एनालिसिस करोगे, इन सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखोगे डिटेल में। तो एवरीथिंग जो आप लाप्लास में देखोगे वो आप जेड ट्रांसफॉर्म में भी देखोगे, ठीक है। इसके अलावा जहां जहां ROC डिफाइंड नहीं होगी वहां पर यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी जेड ट्रांसफॉर्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म, जिसे हम जेड ट्रांसफॉर्म ही कह देते हैं, जिसे हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और सेकेंड होता है यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, जिसे भी हम ब्रीफ में एनालिसिस जरूर करेंगे। इसके अलावा आप जेड ट्रांसफॉर्म में एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म भी स्टडी करोगे, दैट इज फिल्टर डिजाइन, डिजिटल फिल्टर डिजाइन, IIR फिल्टर एंड FIR फिल्टर, इनका भी आप डिटेल में एनालिसिस करोगे इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। नाउ इस चैप्टर से भी आप 2 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल सिग्नल सिस्टम से आप 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ टॉपिक से 2 मार्क्स के, कुछ टॉपिक से 4 मार्क्स के। नाउ नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम एनालिसिस करेंगे DTFT का, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म मींस जिस तरह से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करते हो XT के लिए ना, सेम DTFT होता है आपका XN के लिए। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिलेशन होता है, कुछ सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले नहीं जा सकते हैं इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है, उसी तरीके से DTFT और जेड ट्रांसफॉर्म में भी रिलेशन होता है। यहां पर भी ROC का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जिस तरीके से आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म XT के लिए जो आप निकालते थे वहां पर भी ROC का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, ठीक है। तो DTFT में आप सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में एनालिसिस करोगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखोगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए DTFT कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये सारे काम जो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में करोगे सेम आप DTFT में भी करोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से और अलोंग विद जो DFT है, अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, दोनों से मिलाकर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, DTFT एंड DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो आपका चैप्टर है ये भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, लेकिन DTFT में क्या था मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं, वैसे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। DTFT में जब आप XN का DTFT निकालते हो तो आपको X ओमेगा मिलता है, दैट मीन्स जो XN है वो तो आपका डिस्क्रीट होता है, बट ये जो X ओमेगा मिलता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है।
बट जब आप डीएफटी की बात करते हो तो एक्सएन जो है वो तो डिस्क्रीट होगा ही, लेकिन जो डीएफटी निकलता है एक्सके वो भी आपका डिस्क्रीट होता है, ठीक है। इसके अलावा डीएफटी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सएन है जिसके लिए आप डीएफटी निकालते हो वो आपका पीरियोडिक होना चाहिए। तो डीएफटी में इसीलिए डीएफटी का बेसिक एनालिसिस, इनवर्स डीएफटी, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ये सब तो आप देखोगे ही देखोगे, लेकिन आप एक्सएन जो कि पीरियोडिक होता है उस पे आप ऑपरेशंस स्टडी करोगे, क्योंकि आप जो पहले चैप्टर में स्टडी करोगे वो नॉर्मल एक्सएन के लिए होगा, पीरियोडिक एक्सएन के लिए नहीं होगा, लाइक शिफ्टिंग, ठीक है ना, लाइक रिवर्सल। बट यहां पर आप एक्सएन जो पीरियोडिक है उसके लिए भी ऑपरेशन स्टडी करोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप 10 से 20 सेकंड में आंसर लिख पाओ। इसके अलावा डीएफटी में हम ये स्टडी करेंगे कि डीएफटी एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। डीएफटी में जो कैलकुलेशन है वो स्लो होता है, इसलिए आगे जाके हम स्टडी करते हैं एफएफटी, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी बेसिक मैं आपको डीएफटी में दे दूंगा, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो डीएफटी में भी ये सारी चीजें काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ऑल्दो जितने भी चैप्टर मैंने डिस्कस किए हैं उसमें टॉपिक इससे कहीं ज्यादा है, मैंने सिर्फ आपको मेन मेन टॉपिक के बारे में बताया यहां पर, ठीक है। नाउ लास्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे इस सिलेबस में वो होगा आपका डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। जिस तरीके से हम लोगों ने फोरियर सीरीज स्टडी किया था जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए थी, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, वैसे ही डिस्क्रीट फोरियर सीरीज हम स्टडी करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही स्मॉल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी करें, इसमें हम बस इतना स्टडी करेंगे कि डीएफटी एंड डीएफएस में रिलेशन क्या होता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझाऊंगा, उसके बाद आप किसी भी डीएफटी से डीएफएस का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट 10 चैप्टर्स हैं जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं इन केस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। जहां तक अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर मेंशन हैं, लाइक जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस टाइम, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन डीटीएफटी एंड देन डीएफटी, ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। तो इन 5 चैप्टर से आप एवरी ईयर 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो 10th चैप्टर हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। लेकिन जो स्टार्ट के 1st, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर हैं उन्हें आपको डिटेल में स्टडी करना ही होगा। आपके सिलेबस में भले ही मेंशन ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें स्टडी नहीं करेंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना बेसिक स्टार्ट कर देंगे सिग्नल एंड सिस्टम का, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी लेक्चर में, जब नेक्स्ट वीडियो से हम लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट कर दीजिए या तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा हम ओपन रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।